गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट व्हाइट मटर और गाजर का पुलाव। तो ये जो है ना, ये पुलाव मैं बना रही हूँ बांटने के लिए। मैं ये जो पुलाव बना रही हूँ, ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सारा गरीब बच्चों में बांटूंगी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर टोमेटो देख सकते हैं, मैंने हाफ हाफ में कट कर लिए हैं, 6 से 7-8 अदर। और ये मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और ये मैंने लिया है 1 पाव योगर्ट दही। और मैंने 9 से 10 जो है ग्रीन चिली का हाफ से कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे और ये गाइस, ये पुदीने की पत्तियाँ हैं। और ये हमने यहाँ पर ले लिया है धनिया, जिसे भी हमने चॉप से कट कर लिया है। और ये आगे हम और गाइस, ये है हमारी कैरेट गाजर और ये है हमारे प्याज। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमने जो है अपने और ये प्याज डाल दी है और देख सकते हैं हमने ब्राउन होने तक पका लेते हैं। गाइस, तो हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें से जो है थोड़े से प्याज अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अपना मसाला डाल देते हैं, 2 बड़े तेज़ पत्ते और 1 अदर 3 4। गाइस, हमने जो है पूरा अपना गरम मसाला साबुत गरम मसाला डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर भी डाला है। उसके बाद हम अपनी मटर और गाजर भी डाल देते हैं। गाइस, तो हम जो है इसमें अपनी हरी ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं। इसके बाद गाइस, हम इसमें अपनी हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं। अभी हम इसे मिला लेते हैं। गाइस, हम अभी इसमें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये भून जाए। मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। गाइस, तो हम इसे खोल के देख लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे जो है गाजर भी थोड़ी सी गल चुकी है। अभी हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। पूरी दही हमने इसमें ऐड कर ली है। गाइस, अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, हम इसे थोड़ी देर भून के इसमें पानी ऐड कर देंगे। गाइस, तो हम अभी अपने इसको खोल के देख लेते हैं मसाले को। गाइस, हमने जो है ना चावल लिए हैं 2.5 किलो। आप 2.5 किलो से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस, अभी हम इसमें जो है अपना पानी ऐड कर लेते हैं। गाइस, तो हमारे जो चावल है वो 2.5 किलो है, तो हम पानी इसमें 3 किलो डालेंगे। हम अभी इसे ढक के छोड़ देते हैं जब तक कि उबल नहीं जाता। गाइस, तो हमारा पानी आप देख सकते हैं उबल चुका है। अभी हम इसमें जो है अपने चावल ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह, हमारे चावल कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। गाइस, तो आप देखें अभी। गाइस, तो अभी हम जो है ना इसमें अपने टोमेटोज डाल देते हैं और अपने ये पुदीना भी डाल देते हैं जो मैंने आपको बताया था। और हम इसमें अपने पूरे के पूरे धनिया भी ऐड कर देते हैं। अभी हमें इसे मिक्स कर लेते हैं। गाइस, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गाइस, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कितने खिले खिले हुए चावल लग रहे हैं। अभी हम
गाइस, तो आप हमारे चावलों को देख सकते हैं। अभी हम इसमें दम लगा लेते हैं, ठीक है। हम इसमें और ऊपर से भी थोड़े से धनिया पुदीना ऐड कर लेते हैं के लिए। और उसके बाद हम इसमें अपनी साबुत हरी मिर्ची डाल देते हैं, जो हमने बीच में से कट कर ली है। इसके बाद जो हमने शुरू में प्याज निकाले थे, वो वाले भी हम इसमें डाल देते हैं, गार्निशिंग उनकी कर देते हैं। गाइस, इसमें थोड़ा सा जो है ना बिरयानी एसेंस भी डाल देते हैं। तो अभी हमने इस पे दम लगा देना है। हमारे चावलों को दम आ चुका है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी ना मैं आपको, गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, अभी मैं आपको ये पैक करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग ये बांटेंगे। तो चलें पैकिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आप देखें, मेरे पापा, मैं और यासिर, हम तीनों मिलके ये पैकिंग कर रहे हैं। गाइस, तो अभी हम इसकी पैकिंग कर रहे हैं। गाइस, तो मेरे पापा जो है इसमें डाल रहे हैं और मैं बांध रही हूँ। ये तो पूरी की पूरी शॉपर्स आप देख रहे हैं, ये हम गरीब बच्चों में बांटेंगे और उसकी भी वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी शॉपर्स रेडी हो चुकी है। अभी मैं पार्क पे जा रही हूँ। बटिया नहीं थे मना क्या था मैं कह रहा हूं हल्का दम नहीं